अब सरकार की गुटबंदियां चरम पर है। एक व्यक्ति एक पद के नाम पर जो भैंस छिड़ी है उसमें मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री खेमा एक दूसरे के विरुद्ध ताल ठोक रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री एक सप्ताह के अंदर 3 से 5 दिन तक दिल्ली में बने रहते हैं, इसलिए मंत्रीगण पर उनका नियंत्रण रहा नहीं है। इसीलिए मंत्रीगण जिले में उनके निर्देश के पश्चात भी प्रवास नहीं कर रहे हैं। अपराध और अपराधी दोनों बेलगाम हैं। आज मुख्यमंत्री जी मजबूरन अब पूरे संभाग के आईजी और एसपी से बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि महिला उत्पीड़न के अंदर और महिला अत्याचार के अंदर राजस्थान देश में 3रे स्थान पर पहुंच चुका है, और अगर यही रफ्तार रही तो राजस्थान पहले स्थान पर होगा। स्थानीय निकाय के चुनाव के अंदर हमारा ये मुद्दा भी रहेगा कि जो विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में स्वीकृत हुए थे, विशेष तौर पर शहरी गौरव पथ और अंबेडकर भवनों का निर्माण और विभिन्न शहरी जल प्रदाय योजनाएं आरओबी आरयूबी, इन सब को सरकार ने आते ही बंद करने का काम किया है। हम उन सारे मुद्दों को लेकर विकास के गति को रोकने का आरोप इस सरकार के माथे पर है। उन सब को लेकर स्थानीय निकाय के चुनाव में जाएंगे। 150वीं गांधी जयंती पर मनाने वाली सरकार स्वराज का जो गांधी जी का सपना था वो चूर चूर कर रही है। एक के बाद एक लगातार प्रधान प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन को अपदस्थ करने का षड्यंत्र सरकार कर रही है। न्यायालय ने कई तरह का निर्णय देकर उनकी बात को उन आदेशों को रद्द भी किया है। निश्चित तौर पर इन 51 स्थानीय निकाय के चुनाव में दम ठोककर भारतीय जनता पार्टी इस सरकार की जर्जर कानून व्यवस्था, विकास विरोधी इसका रुख और बैड गवर्नेंस को लेकर जनता के बीच में जाएगी।